कोरोना जैसी महामारी को झेलते हुए आज हम लोग 2 साल पूरे कर चुके हैं और इस समय महंगाई को जिस तरीके से लोगों की कमर तोड़ के रखी है वहाँ देखेंगे हम कि बेरोज़गारी, महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों से आम जनता किस तरीके से जूझ रही है और किस तरीके से इसमें बेरोज़गारी जूझ रही है, लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं और उसे किसी तरह काट रहे हैं, इसी को लेकर हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए भैया, कोरोना जैसे काल में आपने बेरोज़गारी को लेकर हाँ जी हाँ सामना किया है? बहुत मद्दा, बाजार नहीं चला, धंधा पानी नहीं चला, पैसों को परेशान भाई हम लोग, धंधा पानी नहीं चला, जैसे खरीदारी नहीं हुई तो हम लोगों का भाड़ा भी नहीं मिला, गाड़ी चलाते मजदूरी करते। सरकार ने इस तरह जो महंगाई है इसमें सिलेंडर के रेट, हाँ सिलेंडर का रेट बढ़ा, डीजल महंगा हो गया, 96-96 रुपये लीटर डीजल है, हम लोगों को दिक्कत आ रही, तेल ज़्यादा लगता हम लोगों का, पैसे ज़्यादा खर्चा होते तेल में और भाड़ा कम आता हम लोगों का, जैसे 500 का भाड़ा करे तो 250 रुपये का तेल भरेगा, 250 रुपये बचते हैं उसमें। आने वाले 4-6 महीने बाद चुनाव है, उसको सरकार को आप किस तरीके से वो करेंगे? सरकार ऐसी महंगाई करेगी तो कैसे वोट देंगे हम लोग? अगर सरकार महंगाई करेगी हर चीज़ पे तो कैसे वोट डालेंगे हम लोग? आइए इसी को देखकर आगे भी दुकानदारों से बात करते हैं, उनकी राय क्या है। आइए जुनेद जी, महंगाई को लेकर क्या है आपका कहना है और इस सरकार में किस तरीके से चल रहा है? देखिए सर, थोड़ी बहुत महंगाई तो है, डीजल के रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब ये सब चीज़ों का फ़र्क तो आइटम पे ही पड़ेगा ना, भाड़ा बढ़ गया तो हर चीज़ उसी पे आगे पड़ती है, ले देखे सब डिपेंड डीजल पे ही होता है, हर चीज़ में डीजल लगना है, थोड़ा बहुत 10-5% तो हर साल पटाखे के रेट या हर किसी भी चीज़ के रेट बढ़ते ही हैं। अब आदमी मध्य में है और थोड़ा सा उसमें फ़र्क तो पड़ता ही है, जेब में आदमी का बजट 2000 का है, अब चाहे उसमें 4 चीज़ें आएँ, पहले 7 आती थी तो अब 4 आ रही, तो वो भी गुजारा कर ही रहा है, लेकिन बजट आदमी का इस समय डगमगाया हुआ है। आपके व्यापार पे कितना असर पड़ रहा है इस चीज़ में? हमारे व्यापार पे क्या बोलें भैया, इस समय तो हर किसी के व्यापार पे इसका इफेक्ट है, कोरोना की मंदी का असर अब आदमी झेल रहा है, उसको भुगत रहा है, परेशान हो रहा है, हर व्यापार पे असर है इस चीज़ का, चाहे कपड़ा व्यापार हो, चाहे हमारा हो, चाहे सोने का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, सब पे असर है। डाउनफॉल आपके पहले कस्टमर थे और अब किस तरीके से हैं? कस्टमरों में गिरावट आ गई है, अब आदमी अभी तक जैसे ग्राउंड फाइनल नहीं हुआ था, जब तक ग्राउंड फाइनल नहीं होगा तो आदमी दुकान लगाने के लिए माल कहाँ से लेगा। अब और भी जो पटाखा व्यापारी हैं उनका भी वही कहना है कि मंदी इस बार बहुत ज़्यादा है। हाँ मंदी बहुत है सर, मैं बता तो रहा हूँ कि 25% काम है बस केवल इस साल, सभी का, हमारा नहीं सभी का, यही 25% काम। क्या कहना है सरकार में जो महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से महंगाई डीजल पेट्रोल और ये सब, क्या है उसके बारे में? अब उसके बारे में तो यही है कि सरकार को काम करना चाहिए और जैसा उन्होंने बोला था कि हम नौकरी बेरोज़गारी हटाएंगे, तो उस चीज़ को उन्हें देखना चाहिए बिल्कुल। अब आने वाले 4-6 महीने का चुनाव है, उसमें क्या मतलब आप अपना रिजल्ट देंगे, किस तरीके से सरकार को देखेंगे? वो चीज़ तो मेरे पे अकेले थोड़ी ना डिपेंड करता है, सब लोगों पे डिपेंड करता है कि सब लोगों के विचार कैसे हैं, किसे किसे वोट देना है, उस हिसाब से देखा जाएगा। भैया आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई सरकार का तो ऐसा आएगा कि अभी दिल्ली में अब उन्होंने फटाखे को बैन ही कर दिया टोटल तरीके से, फटाखे को बैन करने का मतलब क्या बन रहा है? अगर दिवाली इतना बड़ा त्यौहार है अपना, अगर वहाँ पर अगर फटाखे ही बैन है तो दिवाली का मतलब ही क्या रह गया? कुछ नहीं। हम लोग जैसे कि अब दुकान लगा रहे हैं तो हम लोग भी बेरोज़गार ही हैं एक तरीके से, तभी तो दुकान लगा रहे हैं। अब अगर आप यहाँ भी बैन कर देंगे तो हम लोग बेरोज़गार हो गए और बाकी के इतने क्राफ्ट मैदान हुआ, सीपी बाज़ार हुआ, इन पर दुकानें लग रही वो भी गए। तो पिछले कोरोना की अपेक्षा इस बार में कितना अंतर आया है आपकी महंगाई को लेकर? अंतर तो आएगा क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ काम हुआ नहीं है, पैसे की तो बहुत किल्लत हो रही है घर पर, अब सबका ही ऐसा हाल हैगा, और जो कमा रहे हैं उनका तो ठीक है और जो नहीं कमा रहे हैं बस वो तो बैठे हैं घर पर। यहाँ बुंदेलखंड में भी कई लोग अपनी जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं और अपनी समस्याएं किसी को बताते नहीं हैं और अदर शहरों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसी चीज़ को लेकर युवा हमारे मौजूद हैं भाई, उसको जो आप बताएं बेरोज़गारी और इसमें महंगाई को लेकर आप क्या बोलेंगे? महंगाई को लेकर और बेरोज़गारी को लेकर ये बोलेंगे कि जैसा कि जब पहले अटल जी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दी थी अपनी पंचवर्षीय योजना में कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डाल दिया था, तो अब स्वरोजगार का समय है, तो हर व्यक्ति को नौकरी की बजाय भागने की बजाय स्वरोजगार को अपनाना चाहिए। मैं यही कहूँगा सबके लिए कि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपनाएँ। और जो महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल, और युवाओं को जो नौकरी देने का वादा किया था सरकार ने, वो क्या है? अब वो तो सरकार ही बता सकती है कि भैया काला धन कहाँ है और सारी चीज़ें क्या है, जुमलेबाजी है क्या है, तो वो तो देखिए
जब हाई तोबा जब 55 रुपये लीटर पेट्रोल था तब हाई तोबा मची हुई थी, आज 110 हो गया तब भी लोग पब्लिक शांत है और लोग भरा रहे हैं। ये है कि आने वाले चुनाव में सरकार को किस तरीके से महंगाई की वजह से मार झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि महंगाई को लेकर कई सरकारें अपनी कुर्सी गंवा चुकी हैं। दिल से यूपी के लिए सुंदर सिंह की रिपोर्ट।